नमस्कार, मैं TIT स्कूल से सुधा शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फ़िलहाल हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो इसी से संबंधित मैं अपने कुछ विचार, जो कि आप कोरोना काल में अपने आप को संयम से कैसे रख पाएंगे, पॉजिटिव कैसे रख पाएंगे, इससे संबंधित कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं। पहला पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया का यूज़, कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग करें, आप खबरें सुनें, अपडेट रहें, लेकिन पॉजिटिव खबरों को ही सुनें और नकारात्मक जो विचार हैं उनको अपने अंदर ना आने दें। दूसरा पॉइंट है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी जो है उसके प्रति थैंकफुल बने, भगवान का शुक्रिया करें कि उसने जो हमें ये शरीर दिया है ये हमारा फ़िलहाल तंदुरुस्त है और ऐसे ही रहे, नकारात्मक विचार अपने अंदर ना आने दें। तीसरा है अपनी परिवार के साथ कनेक्ट रहें, कि अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं या फिर आप अपने आप को आइसोलेट कर भी रहे हैं, तो आप अपने परिवार से संपर्क में बने रहें फ़ोन और वीडियो कॉल के ज़रिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा डू योर कर्मा डू योर जॉब। डॉक्टर ने जो आपको सजेस्ट किया है, जैसा आपको बताया है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलें। जो मेडिसिंस दी हैं, जो आपको प्रिकॉशंस बताए हैं कि कैसे रहना है, आप उसके अकॉर्डिंग चलें। मेडिटेशन करें और इस दौरान आपको जो लगता है, एक है आपकी लर्निंग या आपकी कला जो आपके अंदर छिपी हुई थी कई सालों से, तो उसको निखारने का ये सबसे अच्छा समय है कि आप वो काम करें जो आप अभी तक अपने बिजी लाइफ में नहीं कर पाए। उसके बाद है मोटिवेशनल मूवी। आप ऐसी फिल्में देखें, ऐसी मूवीज़ देखें जो आपके अंदर इंस्पिरेशन दें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीज़न, कि आप अपने ज़िंदा रहने का कोई कारण ढूंढ के रखें कि हाँ, मुझे किसके लिए जीना है। मुझे अपनी फैमिली के लिए, मुझे अपनी माँ के लिए, मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। तो इस प्रकार मैं आपको ये पॉइंट्स के ज़रिए ये बताना चाहूँगी कि आप इस समय में अपने आप को संयम और धैर्य के साथ बनाए रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।